यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ यह है कि जहां पे नारी की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं, और ये प्रथा हमारे भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अगर आप पुराने ग्रंथों को उठाकर देखें और पुरानी संस्कृतियों को देखें तो हमें पता चलता है कि नारियों को हमेशा से ही पूज्यनीय माना गया है, लेकिन अब वर्तमान में स्थिति कैसी है ये तो हम सभी जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। आज की स्त्री अभी के युग में इतने ज्यादा जो भाग दौड़ है उसमें इतनी ज्यादा लिप्त हो चुकी है, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं घर की भी बाहर की भी, कि नारी का शारीरिक स्वास्थ्य तो घट ही रहा है, वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती है, लेकिन उसके साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य पे, हमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी बात करना होगा, क्योंकि एक स्त्री का मानसिक स्वास्थ्य जब सही रहेगा तभी वो अपने दैनिक क्रियाकलापों को अच्छे से कर पाएगी, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएगी और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा पाएगी, और साथ ही अपने लिए भी कुछ सोच पाएगी। तो अब ये जरूरी हो चुका है कि हम नारियों की, स्त्रियों की, औरतों की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात करें। तो इसी विषय पर बात करने के लिए श्रोता बहनों आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राशि जैन को। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि महिलाओं को अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर राशि जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच ऋषि जी, आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मौका दिया कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। जी, जी। जैसे कि मेरा मोटिव भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ रह सके, ना सिर्फ फिजिकली मेंटली, जैसे मैंने पढ़ाई भी की है कि MD किया है तो फिजिकली जो भी आपकी बॉडी में डिसीज है, फिर साइकोलॉजी तो माइंड की आपकी डिसीज कवर होती है, रीति सीखी है हमने, तो मतलब ओवरऑल आपके टोटल एनर्जी वाइज हेल्थ आपकी सही हो, यही मेरा मोटिव है। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि जितना मुझसे हो सके मैं महिलाओं को हेल्प कर सकूं, उनके मेंटल स्वास्थ्य को ठीक करने में हेल्प कर सकूं। तो जैसा कि हमने अपनी श्रोता बहनों को बताया था कि आज हम मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ही चर्चा करेंगे, तो आखिर ये मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है और क्या ये शारीरिक स्वास्थ्य से किस तरह से भिन्न है? ठीक है, देखिए हम बीमारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसीज। तो अगर मैं शब्दों को तोड़ दूं तो होगा डिस प्लस ईज, मतलब जब भी हमारा ईज यानी संतुलन खराब हुआ मन का, जो एक स्टेट होता है ना कि हाँ मैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, इजी है, स्मूथ है, जिस दिन वो खराब हुआ आप समझ जाओ आप सबसे पहले बीमार पड़ोगे। जी जी जी। तो जब तक कि आपका माइंड ईज में है, चाहे जिंदगी में कोई भी खटपट हो, आप डिसीज से मुक्त हो, आप स्वस्थ हो, या ऐसा बोलू आपके लाइफ के जो पांच बड़े आयाम होते हैं, आपकी सेहत, आपकी करियर, आपके पैसे, आपके रिश्ते और आपका अध्यात्म, जब तक ये सही चल रहा है और इसके ईज के साथ चल रहा है, इसमें कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कहीं भी रगड़ नहीं है, तब तक आप स्वस्थ हैं। जिस दिन इसमें से कोई भी एरिया में रगड़ आई, फ्रिक्शन हुआ, मतलब आप बीमार पड़ेंगे, इतना तो निश्चित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्ते खराब होंगे तो ही आप बीमार पड़ेंगे, अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है वो भी एंजाइटी ट्रिगर करेगा, वो भी बेचैनी आपके अंदर बढ़ाएगा, तो वहां से भी आप बीमार हो सकते हैं। किसी ने कुछ गलत बोला, कुछ नहीं किया, ऊपर से नीचे आपको देख लिया और आपकी माइंड की ईज खराब हो गई, तो आपका बीमार पड़ना निश्चित है। तो जब तक कि माइंड आपका ईज में है आप स्वस्थ हैं। तो मेरे हिसाब से मेंटल पीस अगर है तो आप स्वस्थ हैं, यही मेंटल हेल्थ में कहूंगी। वैसे हमारी महिलाओं के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना कितना जरूरी है? मानसिक रूप से स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है तो फिर सारा ही जो लाइफ है उनका, जो सारा आयाम है वो गड़बड़ होगा, चाहे उनकी फिजिकल हेल्थ। आज NLP जिस साइंस में मैं काम करती हूँ और न्यू रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हो गई है। साइकोसोमेटिक बोलने से ऋषि जी, साइको मतलब माइंड और सोमा मतलब बॉडी, मतलब मन से शरीर में बीमारियां आ रही है। लगभग 99% बीमारियां मन से शरीर में आ रही है, चाहे आपका थायराइड हो, PCOD हो, वेट आपका बढ़ता हो, या आपके चेहरे में बाल आ रहे हैं, इवन आपके ब्रेस्ट में जो दर्द हो रहा है, महिलाओं को पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है लड़कियों को, वो सब कहाँ से शुरू है? आपके मन से। क्योंकि महिलाएं अपने आप को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि समाज ने उनको कभी स्वीकार नहीं किया, तो जब वो गर्भ में थी तो लोगों को लड़कियां चाहिए नहीं, है ना, तो वहां से वो इम्प्रिंट उनके दिमाग में गया, उनके अनकॉन्शियस में गया, या ऐसा बोलो अवचेतन मन के अंदर प्रोग्रामिंग होती चली गई कि क्योंकि मैं लड़की हूँ मतलब अपराध हो रहा है,
अपराध मैंने पहले ही कर दिया है लड़की होके, तो जब लड़की अपने आप को एज अ गर्ल एज अ वुमेन स्वीकार नहीं करती है, तो वो सबसे पहले बीमार होती है, तो उसकी हेल्थ यहाँ से खराब होना शुरू होती है। फिर उनके रिश्ते, उनके करियर, अगर उनको सुधारना है, जैसे कि आपने बोला कि मेंटल स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, तो अगर उनको करियर अच्छा करना है तो उनको माइंड से बिल्कुल साउंड होने की जरूरत है, क्योंकि करियर में आप जानते हैं कि जितने लोगों को झेलना होता है, मतलब एक अगर वुमेन है तो वो घर में भी सुनेगी, बाहर जाके बाहर भी सुनेगी, इस बीच अगर उसको माइंड को कंट्रोल करना नहीं आए, उसको ऐसी टेक्निक्स ना पता हो कि कैसे हम अपने बाहर की दुनिया को और अंदर की दुनिया को, मतलब घर परिवार जो है मेरा वो, और जहाँ मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ, उसको बैलेंस करना नहीं आया, तो सब कुछ गड़बड़ होगा। जैसे NLP से मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ करियर में कैसे झेलें या लोगों को कैसे झेलें। हम लोग बहुत ये सिर्फ काउंसलिंग जब करते हैं ना, आज काउंसलिंग ऐसी नहीं लगती कि सिर्फ बातचीत करें, है ना, क्योंकि सबको पता है अच्छा सोचना चाहिए, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि अच्छा कैसे सोचे। मैंने बोल तो दिया कि जो झेल लेगी वो जीत जाएगी, लेकिन झेले कैसे? तो हम लोग NLP में सिखाते हैं कि जब भी कोई इंसान आपको इरिटेट कर रहा हो, आपको पता है ये इंसान इरिटेट करने वाला ही बंदा है, ये गुस्सा करेगा, इसने मुझे देख लिया ना, फिर मेरे को खाने को दौड़ेगा। आप इमेजिन करिए कि उसके फेस की जगह पे एक बड़ा सा एलिफेंट का फेस लगा हुआ है, अब उसको कंटिन्यू करने दीजिए, और फिर वो जब कंटिन्यू करेगा ना, वो आप तक उतना जाएगा नहीं, तो आप इजिली उसके साथ डील कर लेंगे। और लोगों को ऐसी चीज एक्सेप्ट करिए, जैसे हम लोग बोलते हैं वो सास है, उसको सास समझिए, आप पहले दिमाग में रखिए वो सास है, वैसा कर सकती है, बहुत से वो बोल सकते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। तो जब आपके दिमाग में यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, आप फ्रिक्शन में नहीं आएंगे, अदरवाइज जैसे ही आप एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं पहले से ही कि नहीं ये मेरी सास है लेकिन मुझे बेटी की तरह रखेगी, ये पहले से ही अगर एक्सपेक्टेशन है, फिर उसके विपरीत वो अगर व्यवहार करने लगी तो फिर मन को ठेस पहुंचती है। हाँ, मैं बोलती हूँ जनरलाइज करके मत चलिए कि सारी सास बुरी ही होती है, क्योंकि अब समय बदल रहा है, लेकिन आप एटलीस्ट इतना तैयार रहिए कि वो भी इंसान है, गड़बड़ हो सकती है, बहुत से वो बोल सकते हैं। असल में क्या होता है ना, अगर देखिए हम लोग सब केवमैन रहे हैं, है ना, तो जब केवमैन थे तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन निकलता था, वो निकलता था ताकि हम अगर हमारे सामने से चीता भालू कोई भी आ जाए, या तो हम उसे फाइट कर ले या तो भाग के पेड़ में चढ़ जाए। लेकिन अब क्या हो गया ना, शेर है ना चीता है ना भालू है, लेकिन हमने अपने सास को, हमने अपने डेली इवेंट्स को, हमने अपने बॉस को वैसा बना के रखा, तो शरीर में क्या होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन सेम मात्रा में निकलता है, निकलता है वो कोर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी में उतने ही अमाउंट में निकलता है जैसे पहले निकलता था। जी, अब उतनी हाई एनर्जी का शरीर में कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुझे भागना नहीं है वहां से, मुझे किसी से फाइट नहीं करना है, लेकिन वो कोर्टिसोल, और देखो एनर्जी का एक सिद्धांत है, आप जानते हैं ऋषि जी और सभी जानते हैं, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो सिर्फ अपने रूप को परिवर्तित कर सकती है। तो शरीर में वो केमिकल रिलीज हो गया, उसके कारण क्या हो गया, देखो अब आपको भागना है तो आपको अगर उस समय भूख लगेगी तो आप खाने पे बैठ नहीं सकते, उस समय अगर आपको यूरिन लगी आप जा नहीं सकते, तो वो क्या करता है, आपका शरीर इस बात को समझता है तो वो सारे सिस्टम को शट डाउन कर देता है, और पूरे ब्लड सर्कुलेशन को आपके हाथ में भेज देगा, पैर में भेज देगा, और आपके पेट के यहाँ साइड में ला देगा, ताकि आप भाग सको, आप फाइट कर सको। तो उसके कारण क्या होता है ना, अब वो उतनी एनर्जी चाहिए नहीं थी हमारी बॉडी के इन मसल्स को, तो फिर हम यहाँ से मोटे होते, है ना, फिर हमारा पेट चाहे हम कितना एक्सरसाइज कर ले, कितना जिम कर ले, वो वहां से फैट हटता नहीं। जी जी, तो राशि जी आपने तो बताया कि किस तरह हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो स्वस्थ नहीं रहा, हमारा मन चंगा ना रहा, तो फिर हमारे शरीर में भी परेशानियां हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे इनके प्रकारों की, मानसिक स्वास्थ्य के कितने रोगों की हम कह सकते हैं, मानसिक रोगों के कितने प्रकार होते हैं? मानसिक रोगों के प्रकार तो इतने हैं कि मतलब वर्णन करने जाओ तो खत्म नहीं होंगे। जो कॉमन है वो बता, जो कॉमन है वो मैं आपको बता सकती हूँ। मेनली जो परेशान होती है ना महिलाएं, होती है एंजाइटी की शिकार, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोड लेती है कि ये भी करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, वो लाइफ आंखों के आगे उनके इतने सिक्वेंस में वो चीजें चल रही होती है कि वो परेशान होती है। और उसका सोल्यूशन ये है कि वो लिख लें उस चीज को, वो लिख लेंगी ना कि मेरे पास टास्क ऑफ चीजें कितनी करनी है, तो वो काम 10 ही होगा, लेकिन महिलाएं उसको ऐसा समझती कि बहुत जरूरत से ज्यादा काम है, तो वो पैनिक में आती है। मेनली जो वर्किंग वुमेन्स होती है वैसे से परेशान होती है। दूसरा जैसे PCOD है, थायराइड है, जिसको जो शरीर में दिखने लगती है, ऑटो इम्यून है, सबसे बड़ी बीमारी है जिसको बोलते हैं कि कोई क्योर नहीं है,
वो भी किससे निकला, वो जो कोर्टिसोल की मैं बात कर रही थी ना वो उससे निकला। आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो मेन मेरे पास जो काउंसलिंग आती है, लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि महिलाएं अपनी सेल्फ इमेज खो चुकी है, अपनी सेल्फ वर्थ खो चुकी है। मतलब सेल्फ इमेज आप समझते हैं क्या होगा इसका मीनिंग, कि आपकी आंतरिक छवि क्या है, आप अपने आप को क्या मीनिंग देते हैं। जैसे मेरा नाम राशि है, तो राशि मतलब कौन, एक अयोग्य महिला या योग्य महिला, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की सेल्फ इमेज गायब होती है, ऐसे ही ओसीडी के मरीज आते हैं, ऑब्सेशन उनके अंदर बहुत होता है किसी भी चीज को करने का, एक ही काम को बार 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 करेंगे, पूजा करेंगे तो इतने बार करेंगे कि जिसका कोई हद नहीं है, है ना। इससे महिलाएं परेशान होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो घर के इश्यूज होते हैं कि मेरा पति मेरे को पसंद नहीं करता, मेरी सास मुझसे झगड़ती है, मेरे बच्चे को मैं कैसे टैकल करूँ, ये महिलाओं के ज्यादा इश्यूज होते हैं, या फिर बाहर उनके साथ जो सेफ इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल रहा कई बार, तो उससे संबंधित इश्यूज लेके आती है। और थायराइड पीसीओडी जैसे मैंने बोला ना, वो बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं आज महिलाओं, तो ये सब एंग्जायटी के कारण पीसीओडी और कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं। एंजाइटी से भी ज्यादा ना सेल्फ इमेज के कारण, मैं आपको एक एग्जांपल सेल्फ इमेज के बारे में आप थोड़ा विस्तार से मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सेल्फ इमेज का मतलब होता है कि आप अपने नजरों में खुद को क्या समझते हैं और कैसा देखते हैं, है ना। आप एक सेकंड आंख बंद करेंगे, है ना, और बाकी भी जो सुन रहे हैं मैं उनसे बोलूंगी कि एक मिनट के लिए आंखें बंद करें और जस्ट कटरीना कैफ को याद करें, इसके बाद अमिताभ बच्चन को, इसके बाद अपनी छवि को याद करिए जरा, कि ऋषि जी जैसे दिखती तो क्यों कैसी दिखती है, या आप खुद कैसी दिखती है। तो अब आप एक बात मुझे बताइए ऋषि जी, जब आपने अमिताभ बच्चन को सोचा होगा तो माइंड में जो पिक्चर आई होगी वो एकदम 3D फॉर्मेट में आई होगी ना, एकदम कलरफुल वो दिख रहे होंगे, ब्राइट दिख रहे होंगे, कैटरीना कैफ भी वैसे ही दिख रही होंगी, लेकिन क्या खुद की छवि उतनी क्लियर दिखी? एक्चुअली मैं खुद को कौन बनेगा करोड़पति के सामने वाले चेयर पे इमेजिन करके, हाँ, तो वैसे मुझे क्लियर दिख रही थी, अदरवाइज आपने अदरवाइज अभी इमेजिन जो किया उस पे तो नहीं कर पाई मैं, उसमें चेयर पे इमेजिन करी तो मेरे फेस पे भी लाइट था। चलिए बहुत सही बात है, और मैक्सिमम लेकिन आपकी आपकी सेल्फ इमेज काफी हद तक इसका मतलब है कि अच्छी है, लेकिन 99% महिलाएं खुद की छवि नहीं देख पाती, मीन्स उनके आंखों के अंदर खुद की छवि नहीं होती, अंधेरा होता है बिल्कुल, आंखों का वर्थ नहीं जानती, वर्थ नहीं जानती, तो अगर वो खुद को नहीं देख पा रही तो यूनिवर्स उनको कैसे देखेगा, ये आप बताइए। और जब तक यूनिवर्स नहीं देखेगा, जो आपके अंदर आपका भगवान है, जो अवचेतन मन है, वो कैसे यूनिवर्स तक के कोई सिग्नल भेजेगा, और आप कैसे कोई चीज अट्रैक्ट करके लाएंगे? जी, 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 जी। आप और मैं ये जानते हैं कि लॉ ऑफ यूनिवर्स हमारे ऊपर काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ऊपर वर्क करता है। जैसे हम थॉट अनकॉन्शियस से यूनिवर्स में रिलीज करते हैं, वैसे ही चीजें हमारे लाइफ में आती है, चाहे वो सेहत हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे पैसा हो, चाहे बच्चे अगर मुझे चाहिए तो भी, अदरवाइज मेरे उस एरिया ऑफ लाइफ में ब्लॉकेजेस रहेंगे, मतलब वो जो मेरी वो बंद रहेगा वो जगह, है ना। तो वो तभी होगा ना जब मैं यूनिवर्स को दिखूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को देखना होगा। और मैं बताऊं, जैसी मेरी सेल्फ इमेज होगी लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं ऋषि जी, आप खुद बताइएगा आप कहाँ कचरा करेंगे। एक ऑप्शन है 5-स्टार मॉल, दूसरा जहाँ कचरा पहले से फेंका जाता है, जहाँ कचरा पहले से फेंका जाता है वहीं ही डालेंगे, वहीं डालेंगे। क्यों 5-स्टार मॉल में क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि साफ सुथरी जगह है, साफ सुथरी जगह पे लोग कचरा नहीं करते ना, साफ सुथरी जगह है, और आपको हेजिटेशन भी होगा वहाँ, हेजिटेशन भी होगा कि यार इतने ऐसी जगह पे मुझे कोई देख लिया तो, मुझे कोई डांट दिया तो, आप 5-स्टार मॉल को गंदा नहीं करके आएंगे। जी जी, तो ऐसे ही हमारे साथ है, अगर हमने अपने आप को 5-स्टार मॉल बना के रखा है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे आग भी दिखाए, जो मुझे कुछ बुरा बोल जाए या मेरे साथ गलत हो जाए। लेकिन अगर मैंने खुद को कचरा समझ के रखा है कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं गुणयोगी नहीं हूँ, तो फिर सब कचरा करेंगे। जी जी, ये रोल है सेल्फ इमेज का। फिर मुझे बीमारियां भी होंगी, है ना, चाहे वो पीसीओडी हो। आप पीसीओडी में हम लोग क्या इलाज कराते हैं? आप रोज एफर्मेशन करिए सुबह सोते कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मेरी स्किन ग्लो करती है, मेरा यूट्रस को आप इज्जत दीजिए। ये मत बोलिए कि हर महीने मुझे महीना क्यों आ रहा है, यार ये दर्द से तो मैं परेशान हूँ, फिर महीना तो फिर परेशान हूँ। जी जी जी, ये है मतलब आपको खुद के लिए सकारात्मक चीजें ही सोचनी है और उसी तरह से आपको व्यवहार भी करना है। तो ये सकारात्मक दिनचर्या कैसे अपनाए, सकारात्मक सोच कैसे अपनाए, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, इसके बारे में आप हमें बताएं। लाइफस्टाइल को कैसे सही करें,
बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ स्टाइल में। हम देखिए लाइफ स्टाइल में ऋषि जी जो सबसे पहली चीज आती है ना वो है खान पान। जब हम लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं तो उसमें आती है कि वात पित्त कफ से आपका शरीर बना है। वात पित्त कफ अगर बिगड़ गया तो आप बीमार पड़ेंगे। जी जी, वात रोग जो होता है उससे 90% बीमारियां होती है। इसको शॉर्ट में ऐसे बोलती हूँ, हम फाइव एलिमेंट्स मिलके बने तो एयर और स्पेस मिलके वात बनता है। तो बॉडी में जब भी एयर और स्पेस एलिमेंट बढ़ेगा ना आपको मानसिक बीमारियां होगी होगी। तो लोगों ने ना देखो आप मसाज करना छोड़ दिया है। पहले तो लोग उठते ही तेल मालिश करते थे, कहते थे ना बच्चों को करते हैं आज हम, लेकिन बड़े होते होते महिलाएं तो बिल्कुल भूल जाती है। और तो और बालों में भी वो तेल लगाना भूल गए, बोले मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, मुझे बाल स्ट्रेट कराने, लोग क्या बोलेंगे। तो बाल में जब तेल नहीं गया है तो यहाँ नसों को तरावट नहीं मिलेगी, आपकी ब्रेन की जो मसल्स है वो रिलैक्स नहीं होगी, तो फिर आपको एंजाइटी होगी ना, फिर तो फ्रिक्शन होगा ही है ना, क्योंकि अंदर रफ एज बढ़ गए ना, ड्राइनेस बढ़ गई ब्रेन के अंदर, ड्राइनेस बढ़ गई तो फिर वो तो आपको परेशान करेगा, डिप्रेशन लगेगा, लोगों को हार्ट बीट जो बढ़ जाती है महिलाओं को, वो सब होगा। और दूसरा एक कारण होता है एनीमिया। महिलाएं जांच ही नहीं कराती तो एनीमिया होता है, तो ऑक्सीजन की कमी बॉडी में निश्चित है ना। तो जब ऑक्सीजन की कमी ब्रेन तक जाएगी तो सोचिए जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो तो फिर बकबक बकबक करेगा ही, फिर आपका माइंड चैटर करना बंद कैसे करेगा, फिर तो आपको नेगेटिव ओवरथिंकिंग होगी ही होगी है ना। तो वो महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं क्या करती है, या तो डाइटिंग करेंगी या तो ओवर ईटिंग करेंगी है ना, तो वो दिक्कत है। लोगों ने पांच अमृत होता है हमारे सभी भारतीय संस्कृति में बोलते हैं, उसमें से हमने घी छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, शहद हम सिर्फ शहद ले रहे हैं वो भी गर्म पानी के साथ। तो सोचिए फिर सफेद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो लाइफ स्टाइल सुधारना है ना, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना है, शारीरिक आयाम भी सही करने की जरूरत। या तो लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं या तो अंडर एक्सरसाइज करते हैं, या तो बैठे रहेंगे और बैठेंगे तो झुक के बैठेंगे, और जिम जाएंगे तो पता चला 2 घंटे चले गई महिलाएं ही, तो वो बहुत गड़बड़ होती है। रात तक ही घूम रही है, कोई वो नहीं है, 12 बजे 2 बजे रात तक ही जा रही है, जग रही है, तो फिर वो हवा अंदर गई ना बॉडी में, फिर आप बीमार पड़ गए। जी जी जी, ये ना मतलब मेंटल हेल्थ को बोल दिया जाता है किसी काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा या कुछ चीजों से सही हो जाएगा, नहीं। लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ में दिनचर्या नहीं सुधारेंगे, डेली रूटीन नहीं सुधरेगा, तब तक ऋषि जी कुछ नहीं हो सकता। हम लोग पहला क्वेश्चन में यही पूछती हूँ लड़कियों से, महिलाओं से, नाश्ता कितने बजे होता है? मेरा आपका नहीं, मैं किसी भी महिला से कैसे अगर आता है तो आई होप आप तो सही समय पे ही करती होंगी। सही समय आप बता दीजिए, मैं तो 8 बजे हाँ। करती हूँ मैसेज जी। सही समय होता है उठने के 2 घंटे के अंदर, लेकिन महिलाएं नॉर्मली नहीं करती क्योंकि उनको घर देखना, तो पहले बच्चे खा ले, पहले ये कर ले, पहले वो पूजा हो जाए, पहले पाठ हो जाए, तो फिर वो नेग्लेक्ट होती है चीज ना। फिर दूसरी बार जैसे एफर्मेशंस करने चाहिए। जी जी जी, एफर्मेशंस मतलब अपने आप को आप एक तरीके से ना आत्म सम्मोहन की प्रक्रिया होती है, जब अपने आप को आप बताते कि आप कौन है, इससे आपकी सेल्फ इमेज भी सुधरती है और आप यूनिवर्स से जो चाहते हैं वो आपको मिलती है। जी जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ ऋषि जी, अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसका उनका बच्चा उनको बहुत परेशान करता है, हस्बैंड को आदत है ड्रिंक करने की, और बच्चा ऐसा बदमाश हो गया, इतना जिद्दी हो गया है कि वो किसी को भी ऊपर थूक के आता है, माचिस जला के जलाने को दौड़ता है। तो मैंने पूछा आप पूजा पाठ करते हैं? उन्होंने मुझे बताया तो बोले ठीक है आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान से मांगा कभी कि आपके बच्चे को स्वस्थ कर दे, वो सद्बुद्धि दे आपके हस्बैंड को, ऐसा कुछ? तो बोले नहीं, मैंने ऐसा कभी मांगा ही नहीं। तो मैंने बोला जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक कि उनको कैसे पता चलेगा, मिलेगा कैसे है ना, क्योंकि भगवान बैठे हैं, उनका काम है तथास्तु बोलना, लेकिन तथास्तु वो कब बोलेंगे जब आप उनसे कुछ अर्जी लगाएंगे, है ना। और कई बार अगर आप अर्जी लगा रहे तब तक भी वो बात उन तक नहीं पहुंच रही है तो उसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी ब्लॉक की है, वो ऐसे ब्लॉक की है कि आप अपने आप को उसके या तो लायक नहीं समझते। मैं आपको बोलती हूँ चलो ऋषि जी, जैसे आपको एंजाइटी है, मैं बोलती हूँ चलो मैं भगवान हूँ, मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपकी एंजाइटी आज खत्म हो जाए, तो क्या सच में आप उस एंजाइटी को छोड़ना चाह रही है? बहुत बार, लेकिन पता है आंसर क्या होता है? नहीं, क्योंकि मैं एंजाइटी छोड़, मैं तो इंसान ही बोलूँ जिसको एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, तो ये आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। एक तो ना मानसिक हेल्थ में आपको पता है सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, लोगों ने बोल बोल के अपने आपको और बीमार किया होता है। जी जी जी, जैसे अगर मैं कंटिन्यूअसली बोलूँ ना, मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ, मैं एंजाइटी की मरीज हूँ, तो मैं तो और एंजाइटी में जाऊंगी, है ना।
और गूगल अगर मैंने कर लिया तो मैं और बीमार क्योंकि वो फिर अपनी आपकी हिस्ट्री देख के दिखाएंगे बार बार वही बताएंगे और वहां पे हर कोई एकदम ऑथेंटिक बताए सही चीज बताए जरूरी नहीं है ना। तो गूगल करने से पहले ये देख लें कि आप किसको सुन रहे हैं क्या कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा होता है ना ऋषि जी, जैसे मैं बोलूं मैं गुस्सैल हूँ और दूसरा शब्द में ये बोलूं कि मैं गुस्सा करती हूँ, है ना, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुस्सैल मतलब क्या, मेरी आइडेंटिटी, और गुस्सा करना मेरा बिहेवियर है। तो जब तक मेरी बीमारी को लेकर आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होगी ना बीमार रहूंगी। जी जी जी, आपने बात के बारे में बताया था, पित्त कफ के बारे में भी बता दीजिए। हाँ, पित्त से मानसिक रोग होते 40 तरीके के, जैसे कि एंगर इश्यू हो रहे हैं, है ना, आपके बाल झड़ गए, आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, समझ जाइए आपका पित्त भड़क गया है। तो उसके लिए आपको अपने ऐसे डाइट को अल्कलाइन डाइट में लाना होगा। मतलब जैसे अगर रोज कुछ खा रहे, रोज बहुत खाली घूम रहे, खाली पेट घूम रहे हैं, आप बिल्कुल बॉडी में तेल नहीं लगा रहे, क्योंकि तेल लगाएंगे तो तेल नॉर्मली ठंडे नेचर के होते हैं, स्पेशली नारियल तेल हो गए या जैसे आपका लेमन वो एक्सट्रैक्ट लगाते हैं लोग, कई बार रोज मेरे एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, तो ये सब ठंडे होते हैं। तो ये अगर आप यूज कर रहे हैं तो बॉडी आपकी ईज में जाएगी, फिर पित्त अगर भड़क रहा है तो। और अदरवाइज आपको रोना रोना आएगा कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे को आजकल अच्छा ही नहीं लगता, अंदर से मेरी हेल्थ खराब क्यों हो रही है, तो आप समझिए आपका पित्त भड़क रहा है, साथ में वात भी भड़क गया है, तो आपको उसको काम डाउन करना पड़ेगा। थोड़ा मेडिटेट करिए, वात को कम करने के लिए मेडिटेशन, क्योंकि स्पेस एलिमेंट आपका सही जगह पे आएगा ना। स्पेस अभी जरूरत से ज्यादा हो रहा है, एयर जरूरत से ज्यादा हो रही है, आप रुक जाओगे बैठ जाओगे तो वो सही होगा, सेटल हो जाएगा। तो ये है। और कफ के कारण 20 तरीके की बीमारियां होती है, जैसे डिप्रेशन है, वो एक स्टक स्टेट है, आप कहीं एक रुक गए हो तो वो कफ के कारण हो रही है। ऐसे ही जो आपका ये आलस करना है या चीजों को टालने की जो आदत है ना, वो आपके कफ के कारण है। तो कफ के कारण आदत, कफ कैसे बढ़ रहा है आपका, तो अगर आप बहुत सुबह से ठंडे पानी से नहा ले रहे हैं और आपने तौलिया से अपने कपड़े को अच्छे से नहीं पोंछा, शरीर को नहीं पोंछा, आप बाहर निकल के आ गए कि मेरे को ये करना है वो करना है, और आपने ऐसे ही तैयार होकर आप चले गए, तो फिर कब बढ़ेगा? या रात तक आइसक्रीम चल रही है, रात तक आप खाना खा रहे हैं, फिर कब बढ़ेगा? तो ये चीजें चेंज करने की बहुत जरूरत है। तो फिर आपका डिप्रेशन ठीक होगा। थोड़ा सा बॉडी में सरसों तेल लगाइए, डिप्रेशन है या ऐसा कुछ, ऐसे कफ की बीमारियां है ताकि हीट आए बॉडी में, तो ये कर सकते। तो कोई एक ऐसा उपाय है जिससे वात कफ पित्त तीनों को ही नियंत्रण में लाया जा सके? तीनों को नियंत्रण में लाया जा सके, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें जो है आपने बताई है, इतनी सारी चीजों को कर पाना या फिर ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल है, तो कोई एक ऐसा चीज जिससे ये तीनों के तीनों नियंत्रित रहे? हाँ, इसके लिए सबसे पहले मैं बोलूंगी तेल लगाना बॉडी में। आप कोई सा भी तेल लगाइए, चिपचिपा मत करिए आप बॉडी को लगा के, लगाने बोलो तो पता चले इंसान 50 बूंद एक साथ लगा रहे पूरे बॉडी में। लेकिन आजकल तो महिलाएं औरतें जो है वो बॉडी लोशन लगाती है, तो क्या बॉडी लोशन भी लगाया जा सकता है तेल के बदले? नहीं, बॉडी लोशन अल्टरनेट नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि उसमें केमिकल्स है, जबकि आपके जो तेल है उसमें केमिकल नहीं है, और वो आपके बॉडी के अंदर डीप लेयर तक जाके चीजों को नरिशमेंट देगा। हाँ, और एक चीज और, कई सारे लोग खाली पेट में गर्म पानी पीते हैं, बहुत ज्यादा गर्म, हल्का कुनकुने की बात नहीं कर रहे, उससे फिर उनके बॉडी का ऑयल खत्म होता है। जी जी। या जैसे हनी और गर्म पानी ले रहे हैं, वो भी मानसिक बीमारी का कारण है। अच्छा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आयुर्वेद में कहीं भी ना उसको विरुद्ध आहार गिना गया है, हनी और गर्म पानी को, वो एज अ बीमारी हम लोग, सॉरी एज अ औषधि हम लोग कई सारी जगह यूज करते हैं, लेकिन कम समय के लिए, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, उसके बाद बंद करवा देते हैं। क्योंकि अगर हम लगातार लंबे समय तक के हनी और गर्म पानी लेंगे ना, घुटने का ऑयल बह जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपको जॉइंट पेन हो जाएगा। या नींबू पानी लेते हैं सुबह से उठ के, वगैरह आप एसिडिक डाल रहे हो बॉडी में, नींबू का स्प्रे आप देखो ड्राई हो जाता है, आप जहां डालो आप नींबू ड्राइनेस क्रिएट कर देते हैं। जी जी जी। तो ड्राइनेस से तो बचना है। तो सुबह खाली पेट क्या पीना चाहिए फिर? हल्का गुनगुना पानी या तो कुछ मत पियो, कुछ ना पिए, अगर आपको उसके बिना पेट साफ हो रहा है तो कुछ मत पियो, क्योंकि आयुर्वेद में ना दिनचर्या अध्याय में कहीं नहीं लिखा है कि गर्म पानी पियो। तो सुबह खाली पेट क्या लेना चाहिए? सुबह आप पहले नाश्ता करिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप भिगा के रखिए, वो खा सकते हैं, अगर आपको सूट करे तो। आयुर्वेद का सिद्धांत देखिए, जो सूट करे वो खाओ, जो सूट करे वो पियो। वो आप खुद चेक करके देखो कि आप रूटीन में चेंज करके देखो,
और दिन भर आप अपने आपको ऑब्जर्व करो कि कौन सी डाइट आपको सच में सूट कर रही है, किससे आपकी बॉडी में एसिडिटी नहीं बन रही, किससे आपको गैस नहीं बन रही, किससे आपका माइंड ईज में, वो खा पियो। तो डाइट नहीं बोल सकते, वात पित्त कफ को नियंत्रित करने के लिए आपको बस अपना रूटीन मसाज, हाँ रूटीन सही करना है, बॉडी बॉडी मसाज लेना है सुबह खाली पेट, जो जो चीजें आपने बताई है, अत्यधिक गर्म पानी, चाय भी, चाय भी नहीं लेना चाहिए दो ढाई कप से, हाँ दिन भर में दो कप से ज्यादा नहीं, खाली चाय खाली पेट पी सकते हैं। चाय अगर हमारे जैसे ठंडा प्रदेश है ना, जैसे हमारे बस्तर में 8 महीने ठंड पड़ती है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो आप नाश्ता करिए, नहा लीजिए और फिर उसके बाद तुरंत नाश्ता करने बैठिए। तो गर्म पानी ज्यादा बेहतर रहता है या चाय? गुनगुना पानी, गर्म गुनगुना पानी ठीक रहेगा, मगर वो भी एक कप आधा गिलास उससे ज्यादा नहीं, एज ए औषधि 4 लीटर 5 लीटर आप सुबह से खाली पेट में 4-5 गिलास भी अगर लेते हो, आप सोचो किडनी में कितना लोड पड़ता है, किडनी में भी तो लोड पड़ेगा ना, आपका पेट साफ हो रहा है मगर किडनी का क्या। ये है, और आपने बोला जैसे कि एक चीज क्या कर सकते हैं वात पित्त कफ नियंत्रित करने के लिए, पुस्तकें पढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, उससे भी वात शांत होता है, और कल्पना करिए, मेडिटेट करिए। देखिए ये सब ना ऐसी चीजें जो 10-15 मिनट में हो जाती है, आपको एक अच्छी पुस्तक पढ़ने में, 2 पन्ना पढ़ने में कितना देर लग रहा है, मेडिटेशन 2 मिनट करो, मत करो ज्यादा देर, है ना। जैसे मैंने बोला विजुअलाइजेशन करें, आईने के सामने खड़े हो जाइए, है ना, खुद की छवि, जैसे मैंने बोला सेल्फ इमेज में आपकी फोटो आपको नहीं दिख रही, इमेज आपको नहीं दिख रही, आप खड़े हो जाइए उसके सामने, मिरर के सामने खुद की इमेज को देखिए, खुद की फोटो को देखिए, है ना, मतलब खुद को देखिए आप उसमें मिरर में, और आंखें बंद करिए, खुद को कल्पना करिए कि आप कैसे दिख रहे थे, फिर आंखें खोलिए, फिर से देखिए, फिर आंखें बंद करिए, खुद का चेहरा बनाइए, ऐसे करते करते आपकी वो सेल्फ इमेज भी इम्प्रूव होगी और आपकी छवि सही हो जाएगी, और उसके बाद अपने आपको बोलिए कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, है ना, आई लव माय सेल्फ। अपने दिल पे हाथ रखिए, अपना नाम लीजिए और सुबह से बोलिए, जैसे मेरा नाम राशि है तो मैं कहती हूँ राशि आई लव यू आई थैंक यू, और रात को सोते समय फिर से ये एक बार बोल लीजिए, भाई आपका शरीर आपके लिए 24 घंटे काम करता है, क्या वो इतना सा डिजर्व नहीं करता? करता है। तो राशि जी, हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, आपने एंजाइटी और डिप्रेशन की बात की थी, तो इनको हम अलग अलग विषय करके लेते हैं। एंजाइटी की तो बात हो चुकी है, डिप्रेशन के बारे में आप हमें बताइए कि डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं और इससे कैसे उबरा जा सकता है। डिप्रेशन के लक्षण में यही बोलूंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे रहने का कोई मतलब नहीं, मैं एक काले बक्से में बंद हो गई, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार मेरे में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं घर और गृहस्थी संभाल सकूं, एज अ महिला मैं बोलूंगी या मैं कुछ भी कर सकूं। कारण मैं बताऊं, आपकी लो सेल्फ इमेज और लो कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है ना, दुनिया पर कोई भी डिप्रेशन आपको आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी जी। तो महिलाओं का कॉन्फिडेंस जो कम होता है ना, उनको वो सही करना चाहिए, और उसके लिए उनको अपना एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहिए कि चेहरे पे स्माइल वो करे, और दूसरा दिन में जो भी वो अच्छा काम करे उसके लिए खुद की तारीफ करे, मतलब आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपनी पीठ थपथपाइए और बोलिए वेरी गुड, आज मैंने कमाल कर दिया। ये बहुत जरूरी है सेल्फ वर्थ पहचानना। आपने शुरुआत में NLP की भी बात की थी, इसके बारे में थोड़ा हमारी श्रोता बहनों को बताइए कि। अच्छा, NLP साइंस पे मैं करीबन 5 सालों से काम कर रही हूँ। NLP का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि न्यूरो मतलब माइंड, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, और लैंग्वेज भी 2 तरीके की, वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब जो आप शब्दों से बोल रहे हैं और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, जैसे आपका चेहरे पे हाव भाव कैसा है, आपका मस्कुलर टेंशन कैसा है, शरीर का जेस्चर पोस्चर कैसा है, वो सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज में आती है। प्रोग्रामिंग मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे आपको पर्टिकुलर रिजल्ट मिले। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो कैसे हम अपने शब्दों के द्वारा और अपने बॉडी लैंग्वेज से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, वही NLP सिखाता है। जी जी जी, है ना। जैसे मैं आपको एक बॉडी लैंग्वेज का एग्जाम्पल देती हूँ, आपको यहाँ से पेरेंटिंग टिप भी मिलेगी हमारे सभी श्रोताओं को। जी जी। जैसे महिलाओं को जब फिल्म देखने जाना होता है ना, कि कैसे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, आप देखिए बच्चों की कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग गड़बड़ करते हैं। जब हमको पिक्चर देखने जाना होता है तो हम शायद 3 बजे की अगर शो है
हम 2 बजे से तैयार होने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, उठ जाते हैं उसी बिस्तर से कि चलो आज पिक्चर देखने जाना, आज तो बहुत मजा आएगा, और हम तैयार होने लगते हैं। लेकिन जिस दिन हमको खुद को बैठ के कोई चीज की पढ़ाई करनी होती है या टास्क हमको कोई कंप्लीट करना होता है, कोई हमको आर्टिकल लिखना है या कोई चीज बनानी है, सोचिए उस दिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, थोड़ी डर होती है। या बोलो जो बच्चा जो है वो हमको नोटिस कर रहा है ना, क्योंकि बच्चे तो हम जो बोलते हैं वो नहीं सीखते ना, वो तो वो आसपास देख के ही सीखते देख के सीखते हैं, है ना। तो उसने देखा कि जब मम्मा को पढ़ाई करने बैठना होता है तो उसके सिर में दर्द हो जाता है, उसको पेन लगता है, वो उसके जेस्चर पोस्चर से उसको समझ में आ जाता है। लेकिन मम्मा को जब फिल्म देखने जाना है तो वो बहुत खुश होती है। मतलब फिल्म देखना मतलब अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, और पढ़ाई मतलब सिर दर्द, मतलब पढ़ाई मतलब पेन, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और फिर वैसा ही वो व्यवहार करने वैसे वैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि पेन को अवॉइड करता है अनकॉन्शियस माइंड और प्लेजर की तरफ भागता है। जब उसको जिस चीज में पेन आप दिखा रहे हैं उससे आप भागेंगे, और ऐसे ही खुद के साथ है। अगर आपकी सेल्फ इमेज लो है, आपने बोला ना डिप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो अगर कोई अवसर चल के भी आएगा ना तो आप बोलोगे ये थ्रेट है, ये मुझे नहीं करना है, इसमें मेरी लोड आएगा, ये तो मतलब अगर मेरी पर्सनालिटी है कि मैं लेजी पर्सन हूँ, तो आपको ऐसा काम आ गया ना जिसमें मुझे वर्क करना पड़ेगा, 2-4 घंटे लगाने पड़ेंगे, तो मेरा माइंड बोलेगा रहने दे, ये मेरे बस का नहीं है, ये करना ही नहीं है। तो ये एनएलपी है, और एनएलपी में ना मैम एक बात अच्छी है ऋषि जी, हम लोग से बातचीत नहीं करते, उसमें बहुत से टेक्निक्स है, मतलब जैसे मैंने बोला ना सकारात्मक सोचे लेकिन कैसे सोचे, तो एनएलपी हमको वो टेक्निक्स देती है। जैसे डिप्रेशन है ना, वो बाहर अगर आप जाए तो कम से कम 20 सिटिंग लगेंगे आपकी, लेकिन एनएलपी में टेक्निक्स के द्वारा 1-2 घंटे में हम डिप्रेशन पूरा क्योर कर देते हैं, 1-2 घंटे में ही। बिल्कुल। अच्छा, एंजाइटी के भी हमको 1-2 सेशन ही लेने पड़ते हैं, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मैं ये करती हूँ कि मरीज को रिकॉर्डिंग करके दे देती हूँ कि ये विजुअलाइजेशन आपको इतने दिन करने हैं, जी जी जी, है ना, ये टास्क आपको करने हैं, और वो बिल्कुल क्योर हो जाता है, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट है। तो राशि जी, इन 2 रोगों के अलावा और कोई मानसिक स्वास्थ्य जो बस्तर के क्षेत्र में देखने को मिलते होंगे? बस्तर के क्षेत्र में आपने बोला ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, लोगों को लगता है कि उनका गला कोई घोट रहा है जब वो रात को सो रहे, अच्छा उनको ऐसा लगता है कि यहाँ गले में किसी ने फंदा बांध लिया है, दम घुट रहा है। उसका कारण ये है, या तो वो महिलाएं सीधा सोती हैं, या दूसरा उनको खून की कमी है, क्योंकि खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन ब्रेन तक के सही नहीं पहुंचे, और रात को आप रिलैक्स स्टेट में तो वो और सर्कुलेशन थोड़ा डाउन ही होता है ना, तो उसके कारण उनको ये होता है। तो वो कई बार उसके लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बस्तर क्षेत्र में काफी काम किया है, है ना, जब हमने MD किया, BMS किया, उस समय भी हम लोगों ने काफी देखा है, उस समय लोग इसी चीज के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट से या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना छोड़ते, वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनको लगता होगा कि कोई बुरी आत्मा, हाँ, गलत दबा रही है, गलत आत्मा या गलत चीज। तो ये बहुत एक मैंने बस्तर में देखा है कि वो उस चीज से परेशान होते हैं। तो इसका उपाय क्या है? खून को सही करिए, अच्छा अच्छा खाइए, डाइट, हाँ, या आप समय से दवाई लीजिए, दवा भी कितने दिन ही लोग लेते हैं, जिस दिन ठीक लगा उस दिन दवाई, उसके बाद बस। इसके अलावा आप और कोई जानकारी देना चाहती हैं तो आप बताएं। एक टेक्निक मैं आपको कराती हूँ, क्योंकि ना सारे मानसिक कारण में सेल्फ इमेज तो है, एक चीज और है आपके दुखद यादें, कि जब तक आपके माइंड से आपकी पास्ट की पेनफुल मेमोरी नहीं हटेगी वो चीज आपको ट्रिगर करेगी। तो एंजाइटी डिप्रेशन का कई बार बहुत बड़ा कारण होता है कि पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है या किसी ने कुछ गलत बोला है, और वो चीज आपके दिमाग में कंटिन्यूअस जाती है और बार बार ट्रिगर करती है, वो। तो इसको कैसे भुलाया जाए? मैं आपको टेक्निक कराती हूँ, और बाकियों को मैं ये बोलूंगी कि वो मेरे कमांड के साथ इस टेक्निक को करें। जी, मुझे भी करना है। बिल्कुल करना है। और इसके लिए आपके पास एक पेनफुल मेमोरी तो होगी ही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा पास्ट में, पास्ट में कुछ ना कुछ होता ही है। तो अभी आप मुझे ये बताइए, जो आपकी पेनफुल मेमोरी है वो 0 से 10 के स्केल में कितनी पेनफुल है? 10 मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल है, 7-8 मतलब मॉडरेट, 4-5 मीडियम, 2-3 मतलब एवरेज या लो? एवरेज बोल सकते हैं, उतना ज्यादा उतना ज्यादा है नहीं, लो। तो अच्छी बात ये, एवरेज भी लो बोल सकते हैं, उसको बहुत कम याद करते हैं। चलिए तो आज उसको डिलीट करते हैं। एक्चुअली आई लॉस्ट समबडी, मेरे दादाजी थे तो आई वॉज वेरी कनेक्टेड टू हिम, तो फिर बहुत चीजें आपको याद आती है। हाँ, याद आती है, लेकिन काफी दिन हो गए उनके गुजरे हुए, लेकिन फिर भी याद तो रह जाती है। तो
वो हम लोग करते हैं। और देखिए जैसे कंप्यूटर में हम लोग सेलेक्ट करके फाइल को डिलीट कर देते हैं ना, वैसे ही अभी माइंड में होगा कुछ और आप इसको हर एक पेनफुल मेमोरी के लिए यूज कर पाएंगी। और इसको आप कभी भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल इजी है ठीक है। या वो चीजें आपको याद भी आएगी ना तो वो आपके ऊपर कोई इम्प्रिंट नहीं छोड़ेगी, उससे आपका भावनात्मक कोई ऐसा नहीं होगा कि आप हिल जाए उसके बाद ठीक है। तो आप आंखें बंद कर लीजिए और बस अब ऐसा करिए कि उस जो भी आपकी पेनफुल मेमोरी थी उसको आप अपने आंखों के सामने लाइए, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करिए, उसके साइज को छोटा कर दीजिए, उसको फ्रेम कर दीजिए, एक बर्फ में डाल दीजिए और इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक दिया सिलाई है या मैच स्टिक है और उसे आप जला दीजिए, मैचेस जलाइए और उस बर्फ में आग लगा दीजिए और देखिए वो जो बर्फ है वो पूरी तरीके से पिघलते चले जा रही है। जैसे जैसे वो पिघलते चले जा रही है सूर्य देव की किरणें आपके ऊपर पड़ रही है और आपके माइंड बॉडी सोल में जाके आपको हील कर रही है। वहां जितनी भी आवाजें थी उसको आप मेरे काउंटिंग के साथ कम करिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वहां जितनी भी फीलिंग्स थी, अभी आंखें आप बंद रखिएगा, और वहां जितनी भी फीलिंग थी वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं एक जगह पे लोकेटेड होंगी। मे बी हार्ट पे अगर आपको उससे एंजाइटी होती हो तो इमेजिन करिए कि वो जो फीलिंग है वो एक स्पंज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और आप उस स्पंज को चाहे तो आप अपने हाथों से भी उठा के फेंक सकते हैं या इमेजिन भी कर सकते हैं कि वो स्पंज अब उड़ते हुए यूनिवर्स के ऐसे हिस्से में जा रहा है जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। जब ऐसा हो रहा है तो आपके बॉडी में वो हीलिंग और तेज हो रही है और जब वो हीलिंग तेज हो रही है तो जो भी पर्सन को आपने यूज किया है उनका आशीर्वाद आपके माइंड बॉडी सोल में जा रहा है, या जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिन भी लोगों को आप मानते हैं उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, उनकी नरम हथेली आपके माथे पे है हमेशा हमेशा के, चाहे आपको याद होना हो। और जब आप उस मेमोरी से बाहर आ जाए तब आप आंखें खोलेंगे और एक बार चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ देखिए। अब एक बार अपने नाम को रिवर्स ऑर्डर मिलेंगे शेर ओके। अब आंखें बंद करिए और सेम पेनफुल मेमोरी को अपने मानसिक पटल पे लाइए। क्या वो अभी भी वैसे ही याद आ रही है या धुंधली हो चुकी है? अभी कुछ याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। तो सोचिए कितना क्विक है। नो वॉट, हमने ऐसे ऐसे केसेस ठीक किए ना, जैसे सामने किसी ने अपने सामने किसी को जल के मरता हुआ देख लिया, ओह माय गॉड। उसके बाद 10 सालों से उस महिला को नींद नहीं आती थी, उसको एक बार टेक्निक कराई ठीक हो गए। रेप केसेस की चीजें तक इस चीजों से ठीक होती है, मतलब सोचो कितना पेनफुल है वो चीजें। और अगर कोई वो नॉर्मल काउंसलर के पास जाएगा तो उसको वो हर बार वो चीजें बतानी होगी, वो कितना पेनफुल होगा। जबकि मैंने आपसे यहाँ पे पूछा नहीं था कि आप मुझे बताओगे, तो आपने बताया मुझे। आप नहीं बताते तो मैं सेम टेक्निक करवाती और सेम रिजल्ट क्रिएट होते, तो ये एनएलपी का बेनिफिट होता है। और ये पेनफुल पास्ट को तो हमको पीछे छोड़ना है, प्लस हमको जिंदगी में अच्छी यादों को कई बार याद करना है, खासकर रात को सोते समय, तो फिर हम अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के साथ, जैसे मेरे दादाजी हो गए, उनके साथ की जो अच्छी यादें हैं, अच्छी यादों को भी याद करो तो फिर बाद में थोड़ा रोना आ जाता है। वो इसलिए होता है ना क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमने क्या किया है, हमारा अनकॉन्शियस कैसे काम करता है, जो उनके साथ लास्ट सीन हुआ ना हम वहां जाके स्टक हो गए। तो जब हम इस तरीके से काम करके, ऐसे बहुत टेक्निक है, तो मैंने शॉर्ट में कराया, इसकी एक पर्टिकुलर टेक्निक है जो मेरे यूट्यूब में भी पड़ी है, यूट्यूब चैनल में। अगर पेनफुल मेमोरी स्पेस डॉक्टर राशि जैन डालेंगे, वो 6 मिनट का वीडियो है जहाँ मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स को ये कराया है, उसमें टीवी टेक्निक है वो। तो वो टेक्निक करके आप उसको जब हटा देंगे पेनफुल मेमोरीज को, जितनी भी यादें हैं वो लास्ट सीन की, उसके बाद जब आप अच्छी चीजें याद करेंगे ना तो फिर आपको रोना नहीं आएगा ना आप बुरा उससे फील करेंगे, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि वाह मैंने कितना अच्छा जिंदगी जी ली। और एक चीज और ये करना चाहिए कि फेस करना चाहिए। नॉर्मली लोग उस चीज से भागते हैं, मैं बोलती हूँ जितनी बार कल्पना आए ना तो आप क्या करो, आप उस सीन में जाओ, अपने माइंड को आप पूरा फोकस करके वहां लेके जाओ उस लास्ट सीन में। अभी तक हम उस लास्ट सीन से भाग रहे होते हैं कि ये नहीं होना था, इसलिए हम परेशान होते हैं। तो जब हम 2-4 बार देख लेते हैं ना कि, तो हमारे माइंड में आता है कि चलो हो गया सो हो गया, तो फिर हम ईज में आ जाते हैं। कितनी देर भी उस चीज को याद करेंगे ऐसा। हाँ
एक बात और गड़बड़ करती महिलाएं वो होपफुल होने की जगह होपलेस हो जाती है। जी महिलाओं को मैं ये बोलूंगी प्रेजेंट मोमेंट में रहें और प्रेजेंट मोमेंट में जीते हुए भविष्य की अच्छी कल्पना भी करें। वाय पित्त कफ शांत करना ना भविष्य की अच्छी कल्पना भी करनी चाहिए। आज से मेरी जिंदगी जब चेंज हो रही है, जब आप मेरे पॉडकास्ट को इसको सुनोगे रिकॉर्डिंग को, मेरे को पता है आपकी लाइफ चेंज होगी। ना तो मैं ये बोलूंगी इसको सुनने के बाद एक काम आपको जरूर करना है, अपनी जिंदगी को अनफोल्ड होता हुआ देखना है। इमेजिन करना कि आपके आंखों के सामने एक रेड कार्पेट बिछा हुआ है और हर 5 साल का एक एक माइलस्टोन लगा है जहां आप अपनी पूरी खूबसूरत जिंदगी को ड्रॉ कर रहे हैं। देख रहे हैं कि मेरी सेहत 5 साल में कितनी खूबसूरत हो रही है, मेरी करियर, मेरा रिश्ते, मेरा अध्यात्म, मेरा खुद के साथ कनेक्शन और लोगों के साथ कनेक्शन कितना कमाल का। और पूरी जिंदगी आप देखिए 60 साल तक की पूरी जिंदगी, आपकी आयु भी बढ़ेगी, आपका स्किन का ग्लो भी बढ़ेगा और ये सब परेशानियां सब आपकी दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद राशि जी की आपने इतनी सारी जानकारी हमारी बहनों को दिया। अच्छा मैं एक लास्ट में प्रे करूंगी कि भगवान आप सबको नरम हथेलियों में संभाल के रखे और जिंदगी में हर महिला कभी ना कभी NLP EFT सीखे। जी जी किसी से भी सीखे लेकिन ये सीखने जैसी चीज है। क्या आप भी सिखाती हैं? बिल्कुल सिखाती हूं। जी चलिए ठीक है, तो आपसे अब अलविदा कहने का समय आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारी तरफ से भी और हमारी महिला बहनों की तरफ से भी। थैंक यू सो मच।